ईदी आई है, कैसा लग रहा है? आज आए हमारे घर में भाभी के घर वाले और भाभी की ईदी आई। मजेदार लखनऊ लख अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको 11वां रोज़ा और 11वां सहरी मुबारक हो। तो गाइस, आप लोगों को कुनाफा वाली वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आप लोग का रोज़े कैसे जा रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस चल और करते हैं सहरी। अभी सब लोग सो रहे हैं और हम जग गए हैं और बज गए हैं 3। तो चलते हैं, पहले मुंह हाथ धोते हैं फिर करते हैं सहरी। फाइनली हम मुंह धो चुके हैं और चलिए चलते हैं, सबसे पहले गर्म पानी पी लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आप सभी को दूसरा जुमा और दूसरा आसरा मुबारक हो। आई होप आप सबके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। देखते ही देखते ही 10 दिन कैसे गुजर गए हैं। एक अशरा पूरा हो गया गाइस और दूसरा अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह पाक हम सब की दो इबादतों को दुआओं को कबूल फरमाए, हम सबके रोजे कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नेहा बहन। वालेकुम अस्सलाम। तो भैया जी, आज क्या बन रहा है किचन में? ये क्या है? दही कुल्की और ये गोश्त और ये चने बन गए हैं। और आज लग रहा है सैंडविच बनेगा, ब्रेड आई है। आपको कल जो कुनाफा खाया था आपको कैसा लगा था, कुछ रिव्यू देंगी? आपसे पूछो, हमने बनाया, अभी से पूछो, भाभी से रिव्यू लो, तुम दो रिव्यू। नहीं, हमने तो दे दिए, बट आपको कैसा लगा था? अपनी हाथ हमने पहली बार खाया था, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अपने हाथों का बना। और आज क्या बना रही हो? बिरयानी, आज बनाया मटन कोरमा, आज बनाया का ब्रेड पकौड़ा, दही फुल्की, चना। आज, आज कुछ स्पेशल है? आज स्पेशल लगा कुछ? हाँ, क्योंकि भाई की ईदी है इसलिए स्पेशल है। अभी गाइस पहले हम जा रहे हैं, अभी आज जुमा है, सबसे पहले जा रहे हैं अम्मी के कब्र में फातिहा पढ़ने, फिर आते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्रिपरेशन हो रही है। फाइनली हम आ गए वापस कब्रिस्तान। तो देखो डॉक्टर साहब ग्लव्स पहन रही है। आज किसकी सर्जरी करने जा रही है? ग्लव्स पहन रही है। भैया जी हमारे किचन में देखिए क्या बन रहा है। क्या है भाभी, आज बनेंगे ब्रेड पकौड़े। दही फुल्की बन गई है, दही बड़े नहीं बने हैं, दही फुल्की बन गई है, चने बन गए हैं, बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। धीरे ही देखिए जो दही फुल्की और दही पकौड़े दही बड़े बना रही है। नहीं, दही फुल्की और चना, ये मिक्सचर रेडी हो गया है ब्रेड पकौड़े। तो बैठे हैं और आज अब्बा बनवा रहे हैं डिश, अपने पुराने जमाने की डिश, ब्रेड पकौड़ा। ये देखो चना तैयार हो गया है, एज यूजुअल चना जो हमेशा बनता है, और दही फुल्की बन गई है। अगर आपको देखिए फाइनली इनके सैंडविच बन चुके हैं। और ये देखो बांगर मुँह कल्लू की टिक्की बन रही है। बांगर मुँह जो देख रहा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कल्लू की टिक्की ये देखिए तैयार हो गई। और देखते हैं आज क्या बन रहा है। और ब्रेड पकौड़ा बन चुका है। और नमाज पढ़ के आ चुके हैं और इनके डायरेक्ट किचन ही में आ गए। तो मेरे सामने देखिए टिक्की तली जा रही है, उधर इन्होंने पापड़ तल दिया, इतनी देर में हम नमाज पढ़ के आए, फिर उन्होंने सारा काम कर डाले। फिर देखिए पापड़ भी तल दिया उन्होंने और टिक्की। आज 11वां रोज़ा है, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बस कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ये बोलना चाहेंगे अल्लाह पाक सबके इबादत को कबूल फरमाए, हम लोग को रोज़े को कबूल फरमाए, हम लोग को सबके जायज़ इबादतों को पूरा करने। देखिए अब ब्रेड पकौड़ा तला जा रहा है, ये इसने लगा ली इसके अंदर छलांग, तो यहाँ से छलांग लगाते हुए गया इसके अंदर खूब लग गई छलांग। और देखिए नया बहन ने भी सब कुछ अपनी तैयारी कर ली है, ब्रेड पकौड़ा टिक्की फुल पकौड़ी, माशाल्लाह सब तैयार हो गया। मिट्टू को देते हैं पपीता, मिट्टू लेके भाग गया, मिट्टी आ रही है, आओ मिट्टी।
भाई आज आए हमारे घर में भाभी के घर वाले और भाभी की एरिया तारी की पिटीशन। काट दिया, कितना अच्छा लग रहा है, लाल लाल सबसे अच्छी डिश मेरी है। देखिए गाइस अब सारी की तैयार हो गई है। खोलो रोजा, खोलो रोजा, खोलिए आप सब लोग। तो मैं फिलहाल अभी अब डाल दिया है अदरक, तो उसको थोड़ी देर पकने दें। आज इनकी ईदी आई है, कैसा लग रहा है? ओ, रहा नहीं जाता तड़। तो गाइस देखिए बिरयानी प्रिपेयर हो गई है और हम चले गए थे। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही ना, आप लोग को भी आ रही होगी, है ना, आ रही होगी ना गाइस, आ रही होगी ना गाइस। खाने जा रहे हैं, ये भाई बाहर से रोटी लाए थे। भैया जी बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, लखनवी बिरयानी बनी है। काफ़ी दिन बाद रात में खाना खा रहा तो अच्छा लगा। तो आई होप सो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं आपको हम 12वीं शहरी में 12वें रोजे में। तो ऐसे ही शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए आप लोग अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।